तो आज हम लोग देखेंगे विल्सन्स थ्योरम। तो विल्सन्स थ्योरम में क्या है, इसका यूज़ हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं और फैक्टोरियल के केस में जनरली यूज होता है। इसका स्टेटमेंट है, फॉर एनी प्राइम ग्रेटर देन टू, पी माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू माइनस वन मॉड पी। दैट मीन्स पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन इक्विवेलेंट जीरो मॉड पी। इसका मतलब हुआ पी जो है पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 30 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 1 में 29, 2 में 31 एंड 3 में 899। तो फर्स्ट देखते हैं 30 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्लियरली 30 फैक्टोरियल में 29 एज ए फैक्टर है, इसका मतलब 30 फैक्टोरियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 29। तो 30 फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं 30 फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू जीरो मोर 29। अभी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो। सेकेंड देखते, अगर 31 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 30 फैक्टोरियल को 31 से डिवाइड किया तो क्या आएगा। अभी यहाँ पे 31 जो है ये है क्या, प्राइम नंबर। तो अगर हमने विल्सन थ्योरम का यूज किया तो क्या आएगा, 31 माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू माइनस वन मॉड 31। ठीक है, अभी 31 माइनस वन क्या हो जाएगा, 30 फैक्टोरियल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया 30 फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट टू माइनस वन मॉड 31। तो यहाँ पे जब हमें रिमाइंडर लिखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर तो 30 आ जाएगा क्योंकि रिमाइंडर तो निगेटिव नहीं होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं 30 फैक्टोरियल इक्वल टू 31 n माइनस वन। ठीक है, अभी इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31 k प्लस 31 माइनस वन। अभी 31 माइनस वन क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया, 30। नेक्स्ट देखते हैं 899 से डिवाइड करना है, तो 899 को हम 29 इंटू 31 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 30 फैक्टोरियल है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा 30 फैक्टोरियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 29। तो 30 फैक्टोरियल को हम 29 एम भी लिख सकते हैं और इसको हम 31 एन माइनस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो अभी दोनों इक्वल हो गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 29m इक्वल टू 31n। अभी 31n को हम क्या लिखेंगे, 29n प्लस 2n माइनस वन तो लिख ही सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद दोनों साइड 29 मॉडुलो हमने लिया। तो अगर हमने 29 मॉडुलो लिया तो लेफ्ट हैंड साइड से 29m इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 29। तो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा जीरो इक्विवेलेंट, और यहाँ पे देखिए ये जो 29n है ये डिविजिबल है कि 29 से, तो यहाँ से तो कुछ नहीं आने वाला है, जीरो आने वाला है, बाकी बचेगा 2n माइनस वन मॉड 29। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2n को इधर लेकर गए तो ये आ जाएगा 2n माइनस वन, ऐसे 2n माइनस वन इक्विवेलेंट जीरो मॉड 29, ऐसे आ जाएगा। फिर हम क्या किए, हमने क्या किया, वन को इधर लेके चले गए। ठीक है, तो आ जाएगा 2n इक्विवेलेंट 29 मॉड 2n इक्विवेलेंट 1 मॉड 29। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली 15 छोड़ हम हर एक को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 29 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने यहाँ 15 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 30n, और 30n को हम लिख सकते हैं 20n प्लस n। ठीक है, अभी 20n प्लस 29n प्लस n जो है इसमें से 29 इज अगेन डिविजिबल बाई 29। तो ये जो 30n इक्विवेलेंट 15 मोर 29 है,
तो इस 30n को हम n लिख सकते हैं, n इक्विवेलेंट 15 मोर 29। कैसे? क्योंकि 30n को हमने 29n प्लस n लिखा था, एंड 29 जो है इट्स सेल्फ इज डिविजिबल बाई 29। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n को हम लिख सकते हैं 29n प्लस 15। ठीक है, तो अगर हमने इक्वेशन ए का यूज किया, इक्वेशन ए यहाँ पे, तो यहाँ से 30 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या था, 30 फैक्टोरियल इक्वल टू 31n-1। 31 तो है, यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आया है, n के प्लेस पे आया है 29k+15। तो यहाँ पे लिख लिया 29k+15-1। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 464, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 464। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।